हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। श्री सदा टेस्ट गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा खास शेयर करूंगी जो मेरे अंकल ने बताया। वो नर्सरी स्वयं चलाते हैं, वो गुलाब की नर्सरी है उनके यहाँ, गुलाबी गुलाब के पौधे लगे हैं। मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने मुझे जो खाद शेयर किया, मैं वो अपने पौधे में बनाकर डाली और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैंने भी उनके बताए हुए तरीके से और ये खाद मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, गुलदाउदी में कितनी बड़ी बड़ी कलियाँ हैं और छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये पिछले साल की मेरी गुलदाउदी शेप की हुई थी, मैंने वो खाद दिया और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और ये भी देखिए कितने मतलब फूलों से भरी हुई, कलियों से भरी है और ये न्यू ग्रोथ, न्यू छोटी छोटी कलियाँ ढेर सारी बन रही हैं। तो चाहे वो गुलदाउदी प्लांट हो या इस तरह का गेंदा, गेंदी, देखिए इतना घना है। मैंने उस खाद को एक ही बार बना के यूज़ किया है और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है, वही मैं फिर से बना रही हूँ। तो शेयर कर दें, एक एक पौधा लगा हुआ है और ये अभी पूरे ग्रोथ में नहीं आया, अभी स्टार्टिंग कलियाँ हैं, ये पहला ही फूल खिला हुआ है और लग रहा है कि कितने पौधे लगे हैं। और थोड़ी सी मिट्टी भी देखिए, नीचे वेस्ट मटेरियल मैंने डाला है और थोड़ी सी मिट्टी मैंने डाल के अब इसकी देखिए मिट्टी भी कम हो गई है। ये गेंदे का पौधा लगा है, ये पूरा दोबारा मिट्टी डालने लायक है। ऐसा ये भी एक है, ये छोटे छोटे पॉट में ढेर सारे फूल और कलियाँ देते हैं। आप उसको सब्जी वाले प्लांट में भी डाल सकती हैं, जिसमें आपको डालना हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। गुड़हल में आप डालिए, बिल्कुल इस तरह कलियों और उससे भर देगा पौधा, बिल्कुल हरा और स्वस्थ रहेगा। और चाहे देसी में डालिए गुड़हल, चाहे आप गुलाब में डालिए, बहुत ही अच्छा। बोले कि मैं ज़रूर, हम लोग डालते हैं इसके लिए, तो मैं बता रहा हूँ। वो घर में भी जो खेती सब्जी लगाते हैं डालते हैं, उनकी छोटी सी नर्सरी भी है, वहाँ भी वो डालते हैं, उन्होंने ही मुझे शेयर किया था। तो हाईब्रिड गुड़हल और गुलाब के लिए तो बेस्ट है, आप देसी में भी डाल सकते हैं और फ्लावरिंग सब्जी किसी में भी पौधे में आप डालिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फंगस भी दूर रहेंगे और पौधे में एनर्जी भी रहेगी। चलिए हम उसको बनाते हैं, बनाने का तरीका क्या है आपको शेयर करते हैं। दोस्तों, वो खाद बहुत ही जल्दी रिजल्ट देती है और बहुत ज़्यादा कलियाँ और फ्लावर। दोस्तों, हमने ये 10 लीटर पानी लिया, ये 12 से 15 लीटर की बाल्टी है, मैंने अंदाज से 10 लीटर के लगभग पानी लिया है और उसमें मैं ये डालूंगी। ये देखिए आपके सामने क्या लगा रखा है, ताज़ा गोबर। जब मुझे इस तरह का ताज़ा गोबर मिलता है तो मैं तरीके तरीके से बनाती हूँ, कभी उपले से बना लेती हूँ और उपलों की खाद बना लेती हूँ, मैंने वीडियो शेयर किया था, और कभी मैं ताज़े गोबर की। लेकिन दोस्तों, सावधानी की बात रखना पड़ेगा कि इसमें जो है नाइट्रोजन ताजे गोबर में बहुत ज़्यादा होता है। ये एक किलो लगभग है, दबा हुआ है, इसमें आ नहीं रहा था, मैंने दबा दिया है, तो इतना ज़्यादा नाइट्रोजन और सभी खाद पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। और गोबर की खाद, चाहे वो बर्मी कंपोस्ट हो, चाहे सड़ी हुई गोबर की खाद हो, अगर किसी भी कितनी भी आप खाद दे दो, अगर माह में एक या दो बार सड़ी हुई गोबर की खाद आपने नहीं डाला, आपके पौधे ग्रोथ नहीं करेंगे। और गुलाब, गुड़हल, इनके लिए तो ये और सब्जियों के लिए तो गोबर की खाद बेस्ट होती है। चाहे आप बर्मी कंपोस्ट डालें, चाहे सड़ी हुई गोबर की खाद, चाहे उपलों की बना के, बिना उसके बिना तो गार्डनिंग करना संभव नहीं है, चाहे आप जिस रूप में डालें। तो चलिए उसका एक नया रूप बनाते हैं, एक उसको अलग से टॉनिक बनाते हैं, पावरफुल टॉनिक। तो इसमें इतना नाइट्रोजन होता है और साथ में और पोषक तत्व तो होते हैं। देखिए दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन सड़ी हुई गोबर की खाद लोग गांव में क्या करते हैं कि बाहर बनाते हैं, तो जो पानी वगैरह बरसता है या उसके धूप के कारण उसके जो माइक्रोब से कुछ नष्ट हो जाते हैं और जो पोषक तत्व हैं पानी में बारिश के कारण कुछ बह जाते हैं, फिर भी वो इतनी अच्छी होती है। लेकिन अगर हम इसको बनाएं तो ये और पावरफुल होंगे, क्योंकि अभी ताजी ही ये सुबह गोबर दी गाय, मैं उठा के रख ली, ये 8 बजे टहल रही थी। कभी कभी दूसरे तीसरे दिन हमको बहुत ज़्यादा गोबर मिल जाता है, कभी थोड़ा सा, कभी बिल्कुल नहीं। तो इसमें पोषक तत्व पूरे बरकरार है, इसमें नाइट्रोजन तो होता है और साथ में फास्फोरस, मतलब जितने पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिंक वगैरह, पोटेशियम वगैरह सब कुछ है। तो इसमें अगर हम ये सारी चीज़ें मिला देंगे, ये नीम खली इतनी, और ये सीबेड है समुद्री घास से बना हुआ, ये DAP, ये पोटास, ये खाली हम इनका लिक्विड टॉनिक डालें, तो फिर हमारे घर में सब्जी या फूल उगाने का कोई माध्यम नहीं है कि जो हमको DAP यूरिया ही डालना है। लेकिन इसको
एक लीटर से ये अधिक है, एक किलो से अधिक है, इसमें अगर हम इतना डाल देंगे तो कोई भी नुकसान नहीं करेगा और अच्छे से डिकम्पोज ये करेंगे। और वैसे गुड़ डाल के भी हम लोग बनाते हैं, लेकिन गुड़ भी बहुत ही अच्छा होता है, स्मेल नहीं आता और डिकम्पोज करता है, पावरफुल बनाता है। लेकिन ये डाल देंगे तो इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। तो चलिए ये सब हम पानी में डालते हैं, नीम खली से जो है फंगस नहीं लगेगा और बहुत एनपीके का ये अच्छा स्रोत है और सीवेट भी बहुत ही अच्छा है, पौधे को हरा भरा रखता है। और डीएपी तो आप जानते हैं फास्फोरस होता है और भी पोषक तत्व होता है, ग्रोथ बहुत तेज़ करता है, पोटेशियम है और ये यूरिया है, इसमें नाइट्रोजन होता है। तो ये चीज़ें हम डाल देंगे, यूरिया डीएपी पोटाश, तो ये गोबर को बहुत जल्दी से डीकम्पोज करेगा और साथ में गोबर के साथ मिलके एनर्जी बहुत अच्छा प्रदान करेगा। तो चलिए गोबर के हमसे एक हाथ से नहीं बनेगा, तो चलिए हम इसको ऐसे करके डालते हैं और घोलते हैं पानी में। तो दोस्तों ये 100-150 पौधे को आप टॉनिक दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सामग्री हमने डाल ली, अब साथ में ही हम राख डाल देंगे। राख में भी फास्फोरस पोटेशियम होता है और फंगीसाइड का काम करेगा, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मिट्टी एल्कलाइन हो जाएगी। माह में एक या दो बार आप पौधे पॉट के हिसाब से एक या दो चम्मच के हिसाब से ही राख डालें, आधा चम्मच, एक चम्मच, दो चम्मच, जितने बड़े पौधे हों। तो दोस्तों ये खाद हमारी बन गई, ये थोड़ी ऊपर है, ये जो हवन की राख रहती है, तो ये जो थोड़ी कंडे वगैरह और ये दीपावली में वो कमल गट्टा क्या डाली थी हवन, तो वो है। तो दोस्तों ये इसको हम कपड़े से ढक के छाया में रख देंगे और जब रेडी होगी तब आपसे मिलेंगे। और 24 घंटे में आप इसको लकड़ी की मदद से हिलाते रहें और कपड़े से ही ढक कर रखें, किसी वैसे बर्तन में रखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जो इसके पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। देखिए कि ये हमारी उपलों की राख ये बन रही है, देखिए कितना भी आप डाल लें, लेकिन सरसों की खली, नीम खली और गोबर की खाद के बिना सभी गार्डनिंग अधूरी है, और गोबर की खाद तो बहुत ही अच्छा। तो और ये इसका भी लिक्विड टॉनिक बनाएंगे। तो इस तरह हम समय समय से सलाद के छिलके, फल, सब्जी जो हमारे हिस्से से छिलके बचे हैं, तो जो हमें जिस पौधे की ज़रूरत रहती है मैं 2-3 बर्तनों में बनाती रहती हूँ अलग अलग, और उसके हिसाब से मैं डालती रहती हूँ सभी पौधे को। तो दोस्तों कितना भी आप दाल चावल, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, लेकिन अगर थोड़ा दूध, घी और सलाद मिल जाए तो सोने पे सुहागा होता है। अगर उसी सलाद को हम जूस के रूप में पिए तो वो उसकी एनर्जी का तो कहना ही क्या है। तो इसी तरह ये पौधे के लिए जूस बन गया है, यानी टॉनिक बहुत ही अच्छा बन गया। तो ये सब जूस और टॉनिक के काम में आते हैं पौधे के लिए, तुरंत जड़े 24 घंटे में ले इसको तुरंत शोषित कर लेती हैं और 24-48 घंटे में बेस्ट रिजल्ट देती हैं। तो इस तरह का खाद आप बनाएं, माह में सॉलिड तो आप, तो दोस्तों टॉनिक तुरंत असर करती है, सॉलिड भी डालें चाहे वो फलों के छिलका का डालें चाहे सड़ी हुई गोबर की खाद, तो मिट्टी उससे मुलायम और सॉफ्ट होती है और धीरे धीरे वो पौधे को पोषक पहुंचाता है और तुरंत रिजल्ट के लिए आप टॉनिक लें। ये पौधे की बीमारी से टॉनिक जो है लिक्विड टॉनिक रक्षा करता है, तुरंत एनर्जी देता है और तुरंत ही फल फूल आते हैं पौधे में। तो दोस्तों जब बनेगा हम आपको बताएंगे, ये कम से कम 100-150 के लिए बन गया, इतने ही पानी में हम 20 लीटर पानी और मिलाएंगे। आप चाहे थोड़ा थोड़ा यूज करें चाहे इकट्ठा आप 20 लीटर मिलाकर यूज कर लें। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, ये देखिए सड़े हुए गोबर खाद से ज़्यादा पावरफुल है और सभी पोषक तत्व है इसमें, और किसी भी आप फ्लावर प्लांट या वेजिटेबल फ्रूट प्लांट में आप डाल सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। और ये देखिए है हमारा ये 5-6 लीटर पानी, उसमें बस हम इतना ही डालेंगे, आधा ही मग्घा, आधा से इससे ज़्यादा नहीं डालना है, 5-6 लीटर पानी में आधा मग्घा, ज़्यादा है फिर पौधे को नुकसान कर देगा फायदे की अपेक्षा, क्योंकि ये कच्चे गोबर से बनी हुई खाद है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी है और कई सारे पोषक तत्व हमने मिलाया है, तो बहुत ही पावरफुल हो गई है। तो उसे हमें संभाल के किसी भी पौधे में देना होगा और सुबह के वक्त या कि फिर शाम के वक्त ज़्यादा नुकसान देगा। अगर
आप बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते तो ना करता, लेकिन मैंने इसमें कई सारी चीज़ें मिलाई और सभी चीज़ें मिल के इसको बहुत ही पावरफुल। तो दोस्तों इस तरह की बड़ी बड़ी ये कलियाँ आ जाएंगी। ये 7 दिन का रिजल्ट है, बहुत ही छोटी छोटी कलियाँ थी। मैंने शाम को यानी 5 दिन ही मानिए, आज सुबह हम बता रहे हैं इसको। तो आप इस बड़े पॉट है तो एक मग्घा डाल सकती हैं। हाँ, मिट्टी बिल्कुल सूखी मिट्टी में डालें, एकाएक क्या है ये जड़ें इसको शोषित करती हैं सूखी मिट्टी में, फिर खाद जो है नुकसान पहुंचा देती है। ये देखिए ये बीज से बोया हुआ गेंदा कितना, मतलब इसी खाद को मैंने दिया है सिर्फ अभी एक बार, तो ढेर सारे ये कलियों से भर गया। पहले मैंने जो मिट्टी बनाई थी उसी खाद पर लगा हुआ था, मैंने ट्रांसप्लांट किया था ये तुलसी के पौधे में, ये हमारे ये गेंदे उगे थे 3 पौधे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, मैंने इनको लगा दिया। तो बस उतना ही डालें, ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों आप ज़रूर पौधे में ये ट्राई करिए, खुद आप रिजल्ट महसूस करेंगे कितना अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर।